हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी द क्रिएटर के बारे में, जिसको लेकर मेरी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी। क्यों थी? क्योंकि ये मूवी है गैरेथ एडवर्ड्स की, जिन्होंने 2010 में मॉन्स्टर्स बनाई, 2014 में गॉडज़िला का रिबूट बनाया और 2016 में मेरी अभी तक की स्टार वॉर्स की वन ऑफ द फेवरेट मूवी रोग वन और स्टार वॉर स्टोरी बनाई, और इसके बाद इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। ये एक विजनरी डायरेक्टर हैं, इनकी क्रिएटिव इमेजिनेशन एट पार है। साईफाई मूवीज़ बनाने का इनको एक नैक है, लेकिन ये मूवी किस तरीके से मिसफायर हुई मेरी समझ से परे है। इसकी स्टोरी बहुत ही जेनरिक है, क्लीशेड है, और बहुत सारी साईफाई मूवीज़ जैसे एपोकलिप्स नाउ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ब्लेड रनर जैसी मूवीज़ का इम्प्रेशन इस मूवी में थ्रू आउट आपको देखने को मिलता है फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। इसका जो मैसेज है, जो इसका हार्ट है, वो बहुत प्योर है, अच्छा है, लेकिन उसके इमोशंस हमारे हार्ट की गहराई तक नहीं पहुँच पाते, यानी उतने इम्पैक्टफुल नहीं हो पाते हैं। न जाने क्या कुछ एंड में गलत हो जाता है, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को 6.5 ही देती हूँ आउट ऑफ 10। दो ये किसी भी प्रीवियस एग्जिस्टिंग वर्क पर बेस्ड नहीं है, फ्रेश आउट ऑफ द माइंड है, फिर भी कहीं कुछ अखरता रहता है। सो पूरी मूवी को देखकर मेरा क्या टेक है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं, विनती सब्सक्राइब। ज़बरदस्त मूवी द क्रिएटर। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, तो हमेशा से चली आ रही इंसानी मानसिकता, जिसमें अपने से अलग दिखने वाली किसी भी चीज़ को वो थ्रेट मान लेता है या अपने से नीचा समझने लगता है, और फाइनली वो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाती है, या फिर ऐसा लगता है किसी ने उसे लाइसेंस दे दिया है दूसरों को दमित करने का। फिर चाहे वो अलग रंग का होना हो, अलग बिलीव्स, अलग रहन सहन, और बहुत कुछ इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। सैवेज और बारबेरियन वर्ड इसी मानसिकता से निकल कर आए हैं, जिनके बेसिस पर न जाने कितना नरसंहार हिस्ट्री में हो चुका है और एट प्रेजेंट हो भी रहा है। यहाँ पर US वर्सेस AI दिखाया गया है, यानी ह्यूमन वर्सेस मशीन्स, जहाँ पर मशीन्स इस बार ह्यूमन को ओवरटेक करने वाली नहीं है, बल्कि मशीन्स के खुद के एग्जिस्टेंस को खतरा है। बात और गंभीर हो जाती है जब लॉस एंजलिस पर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है। US आर्मी एग्रेसिवली इन AI के पीछे पड़ जाती है। उसके पास नोमाड नाम का अनबीटेबल ऑर्बिटिंग वेपन है, जिसके थ्रू वो इन AI को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। इन्होंने अब जाकर साउथ ईस्ट एशिया में शरण ले ली है, जहाँ पर पीपल बहुत ज़्यादा एम्पथेटिक हैं इनको लेकर, इनके साथ को एग्जिस्ट करना चाहते हैं, दे आर स्टैंडिंग बाय देम। और अब AI ने भी रिटेलिएशन करने के लिए क्रिएटर निर्माता नाम का एक वेपन बना लिया है, जो इस नोमैड को हरा सकता है, इसके छक्के छोड़ा सकता है, जिसके बारे में जब US को पता चला है, तो वो बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशन चला रहे हैं इस निर्माता का पता करने के लिए, जहाँ पर जोशुआ नाम का कैरेक्टर सामने आता है। ऐसे ही एक मिशन पर वो काम कर रहा है, उसने एक एशियन लड़की माया से शादी कर ली है, जो कि प्रेग्नेंट है। माया को ऐसा लगता है जोशुआ ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दिन हाइड आउट में जब ये दोनों होते हैं, तो अचानक ही वहाँ पर अटैक हो जाता है, जिसमें माया की डेथ हो जाती है। जोशुआ डिप्रेशन में चला जाता है, और काफ़ी सालों बाद उसे एक मिशन पर भेजने के लिए एक वीडियो फुटेज दिखाया जाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि माया तो अभी ज़िंदा है, और वो इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ जाकर जब इसे निर्माता का पता चलता है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, कॉज कोई डेडली वेपन नहीं है, वहाँ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है एल्फी नाम की, जिसे वो बहुत ही डरा और सहमा पाता है, कंफ्यूज पाता है। धीरे धीरे जैसे ही उसके करीब जाता रहता है, इसका सिमिलेंस को देखने का नज़रिया है वो बदलने लगता है, उसके अंदर एम्पथी जागने लगती है, और क्या कुछ होता है ये आपको मूवी में आगे पता चलता रहेगा। ये सीन्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने चाहिए थे, लेकिन न जाने क्या गलती हो गई कि उतना इन डेप्थ इम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं। बाकी जो मूवी में मुझे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव मिले हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है, कि एक क्लीशेड कहानी होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी भरी हुई है इसमें। चाहे मशीन्स को लेकर ही विजन देख लें, कि हमेशा ही मशीन्स तैयार नहीं हैं कि वो ह्यूमंस को ओवरटेक करना चाहती हैं, वो कोएग्जिस्ट का भी सोच सकती हैं एक तरीके से सामंजस्य में, जैसे हम एनिमल्स के साथ रह रहे हैं उस तरीके से इन सिमुलेंस के साथ, AI के साथ रह सकते हैं। और हमेशा ही दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जहाँ पर कुछ लोग फेवर में खड़े होते हैं और अगेंस्ट में खड़े होते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कहानी जेनेरिक है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे अप्स आते हैं जो दिल को डायरेक्टली छू जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक डिफरेंट अप्रोच है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है। सेकंड पॉजिटिव, VFX क्वालिटी, सिनेमाटोग्राफी, कैमरा वर्क, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जिसके वजह से कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं लगता है, फेक नहीं लगता है, सारी चीज़ें बिलीवेबल लग रही हैं। फिर चाहे वो ड्रॉइड्स के मूवमेंट हो, उनके कन्वर्सेशन करने का तरीका हो, चाहे जो अलग अलग तरीके के वेपन्स दिखाए गए हैं, जैसे नोमाडी है, वो आपको इतना ज़्यादा फैसिनेट करने वाला है, अभी तक आपने ऐसा कोई भी वेपन नहीं देखा होगा। इनफैक्ट गैरेथ एडवर्ड्स का तो एक इंटरव्यू में ये कहना था कि उन्होंने पूरा कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड था, उसमें
ने इस नोमैड को ही डिज़ाइन किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाली हैं, जो कि आपको शुरू से आखिरी तक मिलती ही रहेंगी। थर्ड पॉजिटिव जो कहानी की मेन फिलॉसफी है, जो मेन थीम है, हार्ट है मूवी का, उसमें आपको हिंदुज्म और बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जो कोएग्जिस्टिंग वाला फिनोमेना है वो यहीं से निकल कर आता है, वो मुझे अच्छा लगा है। फोर्थ पॉजिटिव जो लेजेंडरी हांस जिमर का म्यूज़िक है, जहाँ पर फ्यूजन किया गया है वेस्टर्न और एशियन ट्यून्स को, वो हर जगह आपको मिसमराइज करते रहेंगे। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो कहानी है बहुत ही स्टीरियोटिपिकल है, जेनेरिक है, क्लीशेड है, एंटी वेस्ट फिनोमेना लिए हुए है, जिसकी वजह से जो बढ़िया मैसेज है एंटी वॉर का वो उतनी इम्पैक्टफुली हम तक पहुँच नहीं पा रहा है। सेकेंड नेगेटिव, जॉन डेविड वॉशिंगटन को ये बहुत ही अंडरयूज्ड रख रहे हैं पूरी मूवी में। वो जो टेनेट वाला इफेक्ट क्रिस्टोफर नॉलन ला पाए थे ना, वो इस एक्टर के थ्रू नहीं ला पा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही सुपरफिशियल एक्टिंग करते वो नजर आ रहे हैं। देन थर्ड नेगेटिव, इमोशंस को उतने अच्छे से उकेरा ही नहीं गया है यहाँ पर, जिससे हमारे मन तक तो वो उतनी गहराई में नहीं असर डाल पा रहे हैं जितना अवतार में या फिर अराइवल में या ब्लेड रनर मूवीज में किसी भी कम्युनिटी के डिस्ट्रक्शन या किसी भी एलियन के डिस्ट्रक्शन से हमें फील हो रहा था, उतना यहाँ पर फील नहीं हो पा रहा है। बाकी यहाँ पर गोर वायलेंस माइल्ड है, प्रोफानिटी और अडल्ट सीन्स है नहीं। उन यंग अडल्ट्स को जिनको साईफाई देखना पसंद है, उन्हें ये मूवी अच्छी लगने वाली है, जो बहुत ज़्यादा साईफाई मूवीज़ पहले नहीं देख चुके हैं। फिर भी ये मूवी अपने फ्लॉज के साथ वन टाइम वॉच तो है ही। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।